यो हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हो आप लोग। ये हमारी चमचमाती जावा और हम निकल चुके हैं एक खास जगह जाने के लिए। कौन सी जगह है अभी आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तब तक यार थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं। वेलकम 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 टू आवर नेक्स्ट वीडियो। तो आज के वीडियो में, जैसे कि मैंने पहले बोला, हम एक स्पेशल जगह पे जाने वाले हैं। टाइटल में तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि हम क्या करने वाले हैं आज। सो आज हम विजिट करने वाले हैं एक रेस ट्रैक। ओ यस, तो एक प्रोफेशनल रेस ट्रैक बनने वाला है अहमदाबाद में, और आज हम वहीं पे ही उसी चीज़ को एक्सप्लोर करने जाने वाले हैं। कितना बना है, क्या है, कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि मुझे गो कार्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं पहले भी बहुत बार कर चुका हूँ और उसका एक अपना अलग ही मज़ा है। टू जस्ट गेट इन टू दिस स्पीड। और स्पीड की बात कर ही रहे थे और आ गया स्पीड ब्रेकर। तो मतलब यार, इतना ट्रैफिक मुझे अभी मिल रहा है जाते हुए। दोपहर के 3 बज रहे हैं, ये एक हाईवे है। मुझे नहीं पता इतनी भीड़ आ कहाँ से रही है अहमदाबाद में। पहले तो ऐसा नहीं होता था यार, पहले भी मैं कई बार निकला हूँ इस टाइम पे और अक्सर रोड खाली ही मिलती थी। बट आज देखो, मतलब मेरे को रोड से उतर के ऑफ रोड करके मुझे ये रोड क्रॉस करना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज इतना लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है यहाँ। और काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं कि यार वीडियोस नहीं आ रही है रेगुलर। आई नो बट क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं अभी ऑफिस में भी और थोड़ी पर्सनल लाइफ में भी। वो प्रॉब्लम्स मैं सॉर्ट कर रहा हूँ वन बाय वन। और यार प्रॉब्लम की बात करो तो ये सामने देखो आप, मतलब यहाँ पे मौत है मौत। लाइन लगी हुई है, लोग खड़े हुए हैं दोपहर के 3 बजे गर्मी में। मुझे नहीं पता इतने लोग कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। मैं तो जा रहा हूँ अभी रेस ट्रैक देखने, लेकिन ये लोग क्यों जा रहे हैं। तो यार जोक्स असाइड, तो थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको सॉल्व करके वीडियोस रेगुलरली अपलोड करने की यूट्यूब पे। तो होपफुली वो हो जाएगा कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में। काफ़ी रेसिडेंशियल सा एरिया लग रहा है, मतलब एक रेस ट्रैक यहाँ होना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैप्स में यही रोड दिखा रहा है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम फॉलोइंग राइट नाउ। बट है काफ़ी इंटरनल पार्ट ऑफ सिटी, मतलब कोई एक रेसिडेंशियल एरिया, सब बिल्डिंग्स है आसपास। सामने मुझे गेट तो दिख रहा है, लेट सी वो क्या है। हाँ, मोटर स्पोर्ट्स कैन बी डेंजरस, सो आई थिंक हम सही जगह पे हैं। स्केट के अंदर चल के देखते हैं। ओके, आई थिंक दिस इज इट। बंद से के चालू जा क्या रहे थसे चालू खबर ले चालू थसे के शू है। अच्छा कंस्ट्रक्शन चाले सर जी, डैमेज जो लो नहीं कैम हाँ, इसलिए तो मैं आया उसका ही देख के, बड़ा है। ओके मैं वही देख के आया, मेरे को लगा के देख कितना बना है वो देख के आता। ठीक है, थैंक यू। सिर्फ गो कार्ट वाला ही है। अच्छा हाँ हाँ ओके हाँ, उससे थोड़ा बड़ा लग रहा है उससे। अच्छा
हाँ अच्छा। और ये सिनेमैक्स ये दूसरा है कोई पार्टनरशिप ये पार्टनरशिप है, में? ओके हाँ वहाँ पे भी आई थिंक पार्टनरशिप है ना हाँ ओके। कब तक हो जाएगा रेडी? अभी 1 month बोला है, देखते हैं क्या होता है, पर थोड़ा ज्यादा बोला है ऐसा ये सब रेजिडेंस से वही, रिलेटेड मैं भी वही सोचा। मैं आ रहा था, मैंने रास्ता देखा, मैंने बोला ये लग नहीं रहा वही रास्ता है, बट पता नहीं मैप में वही दिखा रहा था। अभी ये रोड चालू हो जाएगा ना, हाँ हाँ तो हाँ खुल जाएगा वहां से, तो ओके पूरा है वन रोड पर ही मैं चल पाएंगे, सही है। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो ठीक है, फिर देखते हैं 1 महीने बाद अभी आके। वैसे हमारा इंस्टाग्राम पर है ना, उस पे हाँ ओपनिंग का आ जाएगा क्या? हाँ मैंने डाला था उस पे, उनको क्वेश्चन डाला था कि ओपन है या नहीं, बट रिप्लाई नहीं आया। अच्छा तो अच्छा फिर देखा। ओके ओके चलो थैंक यू। ओके थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था कि यार अभी तक रेडी नहीं हुआ है। काफ़ी टाइम से चल रहा था कंस्ट्रक्शन और 1 महीना अभी भी बोल रहे हैं कि रेडी होने में लग जाएगा, बट आई थिंक यार अच्छी चीज़ है थोड़ा टाइम लगा के, लेकिन अगर सही चीज़ बन जाएगी तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। और रेजिडेंशियल एरिया का इशू तो है ही, जो उन्होंने बोला कि परमिशंस वगैरह के लिए भी डिले होगा उसमें। सो आई एम होपिंग कि ये जल्दी से रेडी हो जाए और अहमदाबादीज़ को ज़्यादा एक्शन मिल पाएगा। सो आई एम प्रिटी एक्साइटेड फॉर इट। तो यार आज का व्लॉग यहीं क्लोज करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये देख कर, ये सुन के कि अहमदाबाद में खुल रहा है रेस ट्रैक, जहाँ नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी हो सकते हैं गो कार्टिंग के। सो मज़ा आएगा। ऑलराइट सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। और इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं drummerkong.motovlog पे। टिल देन ओके, सी यू, बाय बाय, ड्राइव सेफ एंड एन्जॉय। तब तक मैं ये ट्रैफिक से फाइट करके घर पहुंचता हूं और रिलैक्स करते हैं, बहुत गर्मी है बॉस।